नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मुताबिश हुसैन, हॉट टॉपिक देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में अगर आप देखें तो कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। रोजाना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.73% हो गया है और पिछले 24 घंटे में 3,016 नए मामले सामने आए हैं, जो कि रोजाना के आंकड़ों में 40% का उछाल है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 300 नए मरीज सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत यहां पर हुई है। कोरोना का संक्रमण दर जो है वो 14% के करीब पहुंच गया है और इसे लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज आपात बैठक की। बैठक के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संक्रमण दर ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि टेस्ट काफी कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है और जिनको भी फ्लू के लक्षण दिखें वो मास्क जरूर पहनें। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। कल इसी मुद्दे पर केजरीवाल समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 694 नए मरीज सामने आए हैं। बीते 152 दिनों में एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। मुंबई में 192 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो लगातार जो कोरोना के मामले हैं उसमें इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े कुछ हमने आपको दिखाए दिल्ली और मुंबई के, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से बढ़ोतरी जो है वो नए मामलों में हो रही है। अब ये भी जानिए आप कि कोरोना के जो मामले हैं आखिर ये बढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे की वजह जो है वो कोरोना के इस नए वेरियंट को माना जा रहा है। बढ़ते मामलों के पीछे ये XBB.1.16 वेरियंट को माना जा रहा है और ये जो वेरियंट है सबसे ज़्यादा केस भारत में इसी वेरिएंट के जो है वो मिल रहे हैं। XBB.1.16 वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैलता है, ये इसके बारे में जानकारी आई है अब तक उससे पता चला है। और इस वेरिएंट ने अभी खतरनाक मोड़ हालांकि नहीं लिया है ये भी कहा जा रहा है। WHO लगातार इस वेरिएंट की मॉनिटरिंग कर रहा है। तो चर्चा करते हैं कोरोना की स्थिति को लेकर कि क्या कोई चिंता करने की आपको या हमें ज़रूरत है और किस तरह से एहतियात जो है वो रख सकते हैं, रखना चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे तारुफ कराते हैं आपका। डॉक्टर राजेश पारिक हैं, डायरेक्टर जसलोक अस्पताल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर समीर भाटी हैं, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग पैथ लैब्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर समीर, आपके पास मैं आता हूं। हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के मामले जो हैं उसमें इजाफा होता हुआ हमें दिख रहा है। हालांकि 3,000 मामले ही हैं अभी पूरे देश में जो दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये जो बढ़ोतरी हो रही है थोड़ी चिंता बढ़ा रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले साल से ही देखें तो जो हमारी थर्ड वेव को सर्च करने के लिए, स्पाइक करने के लिए कारण बना था ओमिक्रॉन वेरिएंट, अभी फिलहाल पिछले साल से हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन उसी के सब वेरिएंट या उसके सब लीनिएजेस देख लीजिए या रिकॉम्बिनेंट, मतलब उसी के रूप स्वरूप में बदलाव आता जा रहा है। उसके बारे में अगर हम जानते हैं जितना ओमिक्रॉन या जो उससे संबंधित जितने भी अदर वेरिएंट थे वो संक्रामक सभी रहे हैं, मतलब उनमें इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, री इन्फेक्शन भी करते हैं कि अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है तो दोबारा हो सकता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हो सकता है, अगर आपको वैक्सीन लगी है तो भी आपको संक्रमण हो सकता है। इसके सभी वेरिएंट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ज्यादातर केसेस में माइल्ड ही देखा गया है, कोई गंभीर बीमारी नहीं देखी गई। जैसा डेल्टा में हम देखते थे लंग्स तक पहुंचता था, उस तरह से नहीं देखा गया है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो पूरी तरह से ऐसा बदलाव नहीं आया जिस तरह से सर्वेलेंस चल रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हम पॉजिटिविटी रेट को बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर सकते कि केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि केसेस तो हम जितना ज्यादा सर्वेलेंस करेंगे हमारे पास नंबर ज्यादा आ सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि बढ़ रहा है या बीमारी की गंभीर बढ़ रही है, इन चीजों को हमें ट्रैक करना जरूरत है। और साथ ही तो समीर जी, अभी तक जो मामले आ रहे हैं, जीनोम सिक्वेंसिंग है जी, वो उन्हीं पॉजिटिव सैंपल्स का फिर हम आगे करते हैं। अभी तक जो मामले आ रहे हैं उसमें आपको गंभीरता नजर आ रही है, कुछ समस्याएं लोगों को लग रही हैं कोरोना की वजह से? समीर जी, आपसे पूछ रहा था मैं। जी जी, अभी फिलहाल जो भी हॉस्पिटलाइज केसेस में है वो
अन्य किसी कोमॉर्बिड की वजह से हुए हैं, और जब उनका टेस्ट किया जाता है तो उनके अंदर कोविड भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अच्छा। पर फिलहाल हम ये कहें कि कोविड पॉजिटिव वाले पेशेंट उस तरह से हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं वो उतनी संख्या नहीं देखी गई है, संख्या में कोई बीमारी की गंभीरता में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। चलिए, बीमारी की गंभीरता में कोई बढ़ोतरी फिलहाल जो है वो नहीं दिख रही है। राजेश जी, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगा। दिल्ली में हमने देखा कि जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं कोरोना के, और वैसे ही कुछ हालात जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में भी दिख रहे हैं, वहां पर भी नंबरों में इजाफा हुआ है कोरोना के मामलों में। वहां पर आप कैसी स्थिति देख रहे हैं? देखिए, यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं, सब जगह बढ़ रहे हैं। अभी ये ज्यादा करके चार पांच देशों में है, भारत में सबसे ज्यादा है, उसके बाद यूएस में है, सिंगापुर में है, ब्रुनेई में है, तो कई देशों में है, वहां सब जगह वो ज्यादा फैल रहा है। तो ताविश जी, हमको तीन चीज अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमको बहुत सावधान रहना चाहिए लेकिन ज्यादा चिंता नहीं क्यों नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो ये बात है कि सब लोग अभी टेस्टिंग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग घर पे टेस्टिंग होम टेस्ट करते हैं, तो नंबर शायद बहुत ही ज्यादा होंगे, तो उसके वजह से हमको थोड़ी चिंता रखनी चाहिए, थोड़ी सी, लेकिन बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा, हमको क्या समझना चाहिए कि ये क्यों इतना फेल रहा है। तो पहले पहले दो रिसर्च स्टडीज हुए थे, पहला रिसर्च स्टडी तो चाइना से हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग से, और दूसरा स्टडी जापान से हुआ था, टोक्यो से। ये दोनों रिसर्च स्टडीज ने एक ही चीज बताई कि ये सबसे इन्फेक्टिव वेरिएंट है, अब तक जितने वेरिएंट आए हैं सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव ये है। और ये क्यों है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, समझो वैक्सीन से आए हुए एंटीबॉडीज या पहले इन्फेक्शन से आए हुए एंटीबॉडीज, उनको ये चुका सकता है, बहुत अच्छी तरह से चुकाता है, तो इसीलिए ये बहुत इन्फेक्टिव है। और इसमें क्या हुआ है, ज्यादा करके अभी तक हम लोग देख रहे थे के नए नए वेरिएशन म्यूटेशन से आ रहे थे। म्यूटेशन का अर्थ क्या है कि समझो एक पेड़ होगा, उसका एक हम ब्रांच तोड़ देंगे तो वो एक म्यूटेंट हो गया, लेकिन इसमें रिकॉम्बिनेशन है, यानी दो अलग अलग म्यूटेंट वेरिएंट्स के साथ आके एक कॉम्बिनेशन हुआ है जिससे ये इतना जल्दी फैल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है पहले से। लेकिन तीसरी बात, अच्छी बात यह है कि ये उतना लीथल नहीं है अभी तक। तो वहां पर जो मामले हैं, ये मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि लोगों के जहन में यही चिंता जो है राजेश जी होती है कि अगर कोरोना हो भी जाए हमें तो भी क्या हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी एकदम से, या फिर हम जो है माइल्ड होगा, ठीक हो जाएंगे खुद से। तो वहां पर जो मामले अभी शुरुआत ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी बहुत ज्यादा नंबर नहीं है लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी चिंता जो है ये पैदा कर रहे हैं। तो वहां के पेशेंट्स में आप किस तरह का असर इसका देख रहे हैं? बिल्कुल जैसे आपने बताया ताविश जी, वैसे ही है कि हम लोग देख रहे हैं बहुत जल्दी फैल रहा है, लेकिन लोगों को हॉस्पिटल में आके रहने की जरूरत नहीं है और आईसीयू में कोई नहीं जा रहा है। लेकिन हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जनवरी 2020 से हम वायरस के पीछे हैं एक या दो कदम, तो अभी तक नहीं लगता है कि ये खतरनाक है, लेकिन कभी भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब कॉम्बिनेशन होते हैं दो डॉटर वायरसेस के, दो छोटे वायरसेस के, उसके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारे हो सकते हैं। और अगर ये ट्रेंड आ गया रिकॉम्बिनेशन का, म्यूटेशन का नहीं, तो फिर इसको खतरनाक होने के चांसेस है। इसीलिए हमको पहले जैसे ही बहुत ही सावधान रहना चाहिए, और ये वायरस के म्यूटेशन पे, रिकॉम्बिनेंट स्टेटस पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। समीर जी, आप इस पर क्या सलाह देंगे? यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि देखिए पॉजिटिविटी रेट जो है वो शायद इसलिए ज्यादा क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि टेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए हो सकता है और ज्यादा मामले हों, तो क्या लोगों को करना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने पहला सवाल पूछा कि पॉजिटिविटी रेट, देखिए इसमें इन्फेक्शन और बीमारी दो चीजों का ध्यान रखना है। इन्फेक्शन, संक्रमण तो हो सकता है और हल्के फुल्के आपको सिम्टम रह सकते हैं, बीमारी पर नजर रखनी है कि बीमारी की गंभीरता कितनी हो रही है और किन लोगों के अंदर गंभीरता हो रही है। और वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो बीमारी की गंभीरता ज्यादातर जो हाई रिस्क वाला हमारा ग्रुप है, जो एल्डरली लोग है, जो कोमॉर्बिड लोग है, जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो सबसे पहले उनको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। हाई रिस्क लोगों का हमें अर्ली डिटेक्शन भी करने की जरूरत जल्दी है कि उनका पहले से हम पहचानें कि वो कौन से संक्रमण से ग्रसित है, क्योंकि अभी कॉकटेल ऑफ वायरस सर्कुलेट हो रहा है। जैसा हमने देखा H3N2 वायरस जो कि काफी लोगों में काफी घातक भी हो रहा है, तो H3N2 है या कोविड है, क्योंकि लक्षण ऑलमोस्ट सेम होते हैं,
तो एटलीस्ट हाई रिस्क वालों को जांच करानी जरूरी है, आरटीपीसीआर फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज यहाँ पे जरूरी है कि कोई भी लक्षण आए तो पहले आप अपने आप को आइसोलेट जरूर करें, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया ये संक्रामक ज्यादा है, फैलता जल्दी से है, तो इसीलिए ये रेट, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है। थर्ड इसमें जरूरी है कि हम क्लोज एरिया के अंदर जब भी जा रहे हैं, एटलीस्ट इनफैक्ट दिल्ली की तो मैं स्पेशली बात करूं, मेट्रो के अंदर इतना ज्यादा क्राउड रहता है, बंद रहता है वो, तो वहां पर भी अगर एक भी संक्रमित इंसान होगा तो वो कई लोगों को संक्रमण दे सकता है। तो रेस्पिरेटरी एटिकेट, देखिए एक तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी सर्वेलेंस कर रही है वो कर ही रही है, बट यहाँ पर अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें जितना हम प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी फ्लू भी चल रहा है साथ ही साथ, और हम उम्मीद कर रहे थे कि फ्लू के केसेस शायद डाउन हो जिस तरह से मौसम में बदलाव आए। अच्छा, यही यही चीज यही समीर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए फ्लू भी चल रहा है, मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं, आपको ये ना समझे कि फ्लू है तो आपको कोरोना की तरह जो है घबराना चाहिए कि आपको कोरोना ही हो गया है, और ये भी ना हो कि आप ये सोचें कि आपको फ्लू है, कोई आपको जांच कराने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में क्या आप कहेंगे लोगों को? नहीं, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि फ्लू को भी लाइटली नहीं लेना है। यहाँ पर अभी हम जब देख रहे हैं H3N2 के केसेस, उन पेशेंट्स में भी काफी के अंदर प्रॉब्लम लंबे समय तक जा रही है, फ्लू से रिकवर होने के बाद भी उनका कफ सेटल नहीं हो रहा है, खांसी नहीं जा रही है, तो फ्लू को भी लाइटली नहीं लेना है। और कोरोना वायरस का जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि फ्लू है कि कोरोना वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस कोई भी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मास्क को आप हैबिट बना लें, क्योंकि अभी सर्कुलेट हो रहा है, हम हमेशा थ्रू आउट ईयर नहीं कह रहे थे कि आप मास्क पहनते रहिए, पर फिलहाल तो अभी जिस तरह से सर्कुलेट हो रहे हैं वायरस, तो इस समय बहुत जरूरी है मास्क को पहनना, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी इम्यूनिटी के ऊपर भी आप साथ के साथ काम करते रहिए, तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, और जितना आप एहतियात बरत सकते हैं उतना आप एहतियात बरतिए, अगर आपको लगता है किसी को सर्दी जुकाम है तो उससे आप दूर रहिए, आपको कुछ हो जाता है सर्दी जुकाम जैसा तो आप दूरी बना के रखिए अपने आसपास के लोगों से। राजेश जी, लेकिन अब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, जब हम काफी वक्त तक कोरोना को देख चुके हैं तो लोग भी ये चीज जानते हैं कि भाई आपको जो है अपना आसपास की चीजों का ख्याल रखना है, अगर आपको संक्रमण के से अगर आपको बचाना है खुद को, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ज्यादातर लोग जो है वो वैक्सीन अब लगाए हुए हैं, अगर आप घर पे रहिए तो आप इलाज कैसे कीजिए, एंटीबायोटिक्स को लेकर भी सलाह जो है दी जा रही है कि उसका आप इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा ना कीजिए, जरूरत ना हो तो ना ही कीजिए, तो क्या करें लोग फिर? देखिए तारिश जी, एंटीबायोटिक्स के बारे में पहले बात करेंगे, H3N2 हो या कोविड हो, कोई भी वायरस हो तो उसके ऊपर एंटीबॉडी का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन काफी नुकसान होता है, इंडिविजुअल में ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन एंटीबायोटिक्स ज्यादा इस्तेमाल करने से जो बैक्टीरिया होते हैं, जो दूसरे इंफेक्शन होते हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर नए नए एंटीबायोटिक्स बनाना पड़ता है और यह एंटीबायोटिक का असर कम होता है, तो इधर तो कुछ मदद नहीं करता है लेकिन बाहर काफी सारा नुकसान करता है। दूसरा पूछ रहे हम क्या करें, तो एक तो अपने डॉक्टर के साथ पहली चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएंगे कैसे मॉनिटर करने का, ये ठीक हो रहा है वैसे के वैसे है या तबीयत बिगड़ रही है, उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए। तीसरी बात, और ये अच्छी बात है कि जो पहले की जो आरटीपीसीआर थी और अभी जो नई आरटीपीसीआर आई उसमें काफी फर्क है, नई आरटीपीसीआर में हम लोग 9 या कभी 10 वायरसेस देख सकते हैं, उसी आरटीपीसीआर में ये H3N2 है कि कोविड है कि और कुछ है अलग फ्लू का वायरस, वो पता चलता है। तो अगर डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है जरूरत है आरटीपीसीआर करने की, तो आरटीपीसीआर करनी चाहिए, लेकिन उसके आगे सब एक वैसे ही है, एक तो प्रिकॉशन लेना चाहिए, अभी अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी, जो भी डॉक्टर भाटी बोले मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, हमको दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। फिर जो भी हम लोग पहले बात कर रहे थे, आइसोलेशन, बेड रेस्ट, हाइड्रेशन, पानी पीना, वो सब करना चाहिए। और देखिए मैं आपको बोल सकता हूं तावी जी, मैंने अभी तक तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम लोग इतनी बात कर रहे थे, मैंने अभी तक बंद नहीं किया, क्योंकि पैंडेमिक नहीं ही गई है, हमको ये याद रखना चाहिए कि पैंडेमिक शायद कम हो गई है, शायद उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन चले नहीं गई है। बिल्कुल। तो अभी तक मैं पहले से ही कभी भी ग्रुप में रहता हूं तो मास्क पहनता हूं, ज्यादा करके बन सके तो ग्रुप में नहीं जाता हूं, वेडिंग्स में नहीं जाता हूं, हाथ धोना, डिस्टेंस रखना, और यू नो तभी जी हमने एक चीज देखी हो तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इंसान लोग
कितना अच्छी तरह से हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं। किसने सोचा था कि जब पैंडेमिक आएगी हम लोग कितना अडेप्टेशन कर जाए, इंटरव्यूज में, जूम में, मास्क पहनने में, अभी हम हमारी आदत हो गई है, तो नहीं तोड़नी चाहिए थोड़े समय के लिए, जब तक ये पैंडेमिक नहीं चली जाएगी इसको कंटिन्यूअस चालू रखना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी सलाह भी दी और इसको मानना भी चाहिए लोगों को कि देखिए एहतियात बरतने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि सर्दी जुकाम ही आप मान लीजिए तो भी आप एहतियात बरतिए और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश पारेख आपका और डॉक्टर समीर भाटी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना के मामले बढ़ जरूर रहे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं नंबर्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप खुद को सुरक्षित रखिए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन कीजिए और इससे अपने आप को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। फिलहाल एक ब्रेक लेना रुकते हैं। के बाद आपका स्वागत है। अब आपको नई संसद की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अचानक संसद भवन की नई बिल्डिंग का दौरा किया और सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी वहां करीब एक घंटे तक रहे और वहां चल रहे काम का जायजा उन्होंने लिया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में किस तरह की सुविधाएं तैयार की गई हैं इसका मुआयना किया और साथ ही वहां काम कर रहे मजदूरों से भी उन्होंने बात की। नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है। नया संसद भवन कुल 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है। लोकसभा में मौजूदा 543 सीट की जगह 888 सीट होंगी, वहीं राज्यसभा में 245 की जगह 384 सीटें यहां पर होंगी। संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा चैंबर में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे।